आश्रम में कल्याण निधि औषधालय में पिछले 4 माह से नहीं है डॉक्टर। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित बीड़ी श्रम कल्याण निधि औषधालय में पिछले 4 माह से डॉक्टर गायब है। से बीड़ी मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुना में ही एकमात्र बीड़ी श्रमिक औषधालय है जिसमें डॉक्टर पिछले 4 माह से नहीं है। वहीं मौजूद स्टाफ से इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा हेड ऑफिस यानी जबलपुर में शिकायत कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। उनसे पूछा गया कि जो अपनी बीमारी का इलाज कराने यहाँ आते हैं तो उनका इलाज कैसे किया जाता है, तो उनका एक ही जवाब था कि यहाँ इलाज नहीं होता, उनसे मना कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं है। अब समझ में नहीं आता कि प्रशासन इसको ध्यान क्यों नहीं देना चाहता। हमारे यहाँ कमिश्नर बैठते हैं जबलपुर में, जबलपुर यहाँ का हेड ऑफिस है, तो वहीं भेजते हैं, वहीं सारी रिपोर्ट वहीं जाती है, जितनी भी सूचना है वहीं भेजी जाती है, वहीं से सारे निर्देश हम लोग को प्राप्त होते हैं, यहाँ से सब। तो अभी जो डॉक्टर साहब नहीं है वो कब से नहीं है? अभी 15 जनवरी से छुट्टी में गए थे वो, उनकी शादी थी तो 24 जनवरी तक छुट्टी ली थी उन्होंने, उसके बाद वो नहीं आए, तो हमने लिख के भेज दिया था हेड ऑफिस, और 20 फरवरी को वो आए थे तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, वही लिखित में भेज दिया गया। अभी तक पोस्ट जब तक खाली है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया कि नहीं, अभी कोई हमारे पास जवाब नहीं, लोग हर महीने लिख के भेजते हैं, अभी वहाँ से कोई हमारे पास। डॉक्टर साहब के नहीं होने से क्या क्या परेशानी आ रही हैं आपको? हम लोग को क्या परेशानी, परेशानी यहाँ के वर्कर को आ रही है जो मेडिसिन नहीं मिल रही उनको। अच्छा, तो अभी जैसे आते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं? पेशेंट आते हैं, पेशेंट आते तो उनको यहाँ से मना कर देते, अभी डॉक्टर नहीं है यहाँ, मेडिसिन तो डॉक्टर ही लिखेंगे ना। अपना कितना स्टाफ है अभी? यहाँ पर अभी परमानेंट तो 4 हैं।